आपको क्या क्या चीजें पसंद है? पहले तो फुटबॉल अच्छा लगता है, वो गेम रिफ्रेश करता है ना माइंड को। फिर क्या बोलते हैं, स्टडी अच्छा लगता है। स्टडी में मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर मुझे को क्या बोलते हैं, एडवेंचर्स का स्टोरी इंग्लिश में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे को ड्रॉइंग ऐसे पेपर ने क्या बोलते हैं, वो छोटे भी में से कुछ ने क्या बोलते हैं अच्छा लगने लगता है। मेरे खुद के डिजाइन अच्छा लगता है। फिर मुझे को क्या बोलते हैं, डिस्कवरी वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है। वो मैन वर्सेस वाइल्ड का क्या बोलते हैं, इंसेक्ट खाता है ना, बहुत क्या बोलते हैं, डिलीशियस लगता है। आपकी लद्दाख में लाइफ कैसी है? बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, क्योंकि सर्दी में तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, फैसिलिटी नहीं है। खाना सब कुछ एक्सपायर्ड मिलता है। फिर यहाँ पर हीटर वीटर नहीं होता है। फिर क्या बोलते हैं, गोबर का क्या बोलते हैं, गाय का गोबर एक बोर को बहुत क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। फिर स्कूल भी नहीं, फैसिलिटी नहीं मिलता है। फिर होमवर्क मिलेंगे तो अपने करने पड़ते हैं। ट्यूशन जाएगा तो फिर फीस बहुत महंगा है, पाइप भी फ्रीज हो जाता है, फिर पानी भी अच्छा से नहीं मिलता है। फिर ठंडा तो बहुत है, फिर भी हीटर वीटर नहीं होता है। फिर खाना सब महंगा हो जाता है। मैम, आप रहते हो उस घर में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? पहले तो यहाँ पर तो बाथरूम नहीं है, फिर दूर दूर तक बाथरूम जाना पड़ता है। फिर बाथरूम भी नहीं है। फिर नहाने के लिए तो उधर मेरे आंटी के घर जाना पड़ता है, कपड़े दोनों के आंटी के घर, वॉशिंग मशीन है इसलिए धो देता हूँ वहाँ पर मैं। और ये घर आपका रेंट का है, किराए पे रहते हो? हाँ। आपकी मम्मी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, वो लेबर का काम करते हैं, फिर भी सर्दी वगैरह में तो काम नहीं मिलता। फिर भी मुझको क्या बोलते हैं, वो स्टेशनरी ऐसा फुटबॉल ड्रेस ऐसा स्टेशनरी का चीज चाहिए, तो मम्मी सर्दी पे काम करते हैं। फिर भी पैसा नहीं ज्यादा मिलता है। फिर दूर दूर तक काम करना ज्यादा है मुझे को अकेला छोड़कर। फिर ट्यूशन का फीस देना पड़ता है, बहुत सारा उसका बोझ, ऊपर का बोझ नहीं मिटता। अच्छा पैमा, आप अपने पापा के बारे में क्या जानते हैं? मेरे पापा तो क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ITF करते हैं। मेरे पापा कम 10 में रहते हैं। अभी तो उसका डिवोर्स करते हैं ना, फिर उसका दूसरा बीवी है। पैमा, आपको कब अपने पापा के बारे में कब पता चला था, कौन सी क्लास में था? फर्स्ट क्लास में पता चला। कैसे पता चला? मेरे और मेरे क्या बोलते हैं, बड़ा मामा है ना, और बाद में क्या बोलते हैं, पापा का नाम लिया। फिर मैंने बोला पापा कहाँ पर है, फिर ऐसे बोला पापा और मेरे डिवोर्स हो गया, फिर मुझे पता चला। और उससे पहले आपको क्या बताया हुआ था? कुछ नहीं बताया पापा, कुछ नहीं बोला। फिर आपको क्या लगता था कि कहाँ है पापा, आप जब सोचते थे? पापा, मम्मी ने बोला पापा ट्रांसफर है बोला। फिर ऐसे ही सोच दिया। अब ऐसे ही सोच दिया कि पापा कहीं बाहर है। हाँ। कितने साल के थे आप तब? 7 साल का। फिर तो वो से नहीं था, ट्रांसफर हो गया था चंगदांग में। फिर वो दूसरे पत्नी ले गया, फिर मेरे मम्मी और मुझको छोड़ दिया। फिर मेरे भाई को उसके साथ ले गया। फिर पता चला और 2-3 क्लास में मैं पढ़ाई अच्छा करता हूँ, उसने बोला ये मेरा का क्या बोलते हैं, इसमें गया क्या बोलते हैं, वो मेरे खून भी गया है बोला। आपका भाई कितना छोटा था जब वो उनको लेके गया? 8 महीना 8 मंथ का था। फिर मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोल सकता, वो रूल्स है ना यहाँ पर तो। क्या बोलते हैं, लड़का बाप लेके जाता है, लड़की माँ लेके जाता है, या तो रूल्स होते हैं यहाँ पर तो। और उसके बाद पापा ने आपको, आप कितने साल बाद फिर अपने पापा से मिले उसके? 2 साल के बाद तभी अपने भाई से मिले। हाँ। उसके बाद
पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मिलने जाते हो पापा से? हाँ, मिलने जाता है। मंथ आपको पैसे देता है, कुछ हेल्प करता है? हाँ। क्या हेल्प कर रहा है आपकी? ज्यादा से 500 रुपीस देते हर महीने बस। हाँ, 15 साल के बाद नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें रूल्स में लिखा था ना पेपर में, 15 साल के नहीं देने पड़ते हैं। और पापा की याद आती है आपको? नहीं आता। क्यों? मेरे पास तो माँ है ना। पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती? और बीच में पापा अम्मा ने आपकी बोला था कि पापा आपको ले जाने के लिए आ रहे थे, तो उसके बाद आप जब पता चला कि पापा ने बुला लिया है, तो फिर आपको क्या लगा, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरा माँ तो अच्छा है ना, इसलिए पापा के साथ नहीं रहना पड़ता। क्योंकि क्या बोलते, छोटे से माँ के साथ रहे हो ना, फिर पापा के साथ नहीं रहना, इसलिए नहीं गया। और आपको बुरा लगता है कि पापा ने जो किया मम्मी के साथ? हाँ। लगता है बुरा? जब आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कंप्यूटर इंजीनियर। फिर नहीं होगा तो इंजीनियर बन गया। और मम्मी के लिए क्या करना चाहते हो? वो सब मांगे होंगे, वो दे दूंगा मम्मी को। क्योंकि मम्मी छोटे से मेरे का ख्याल रखता है ना, फिर मैं बड़ा होगा तो उसका ख्याल रखेगा। मम्मी का सोच के कैसा लगता है जब मम्मी काम पे जाती हैं, इतना ज्यादा काम करती हैं हर टाइम पे? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पापा होगा तो पापा वो सरकारी नौकरी करेंगे ना, फिर मम्मी को कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। वो क्या बोलते हैं, घर के रह कर फिर खाना पकाना ऐसा कर हल्का काम क्या बोलते हैं करना पड़ता है ना। यहाँ पर तो पापा ने छोड़ दिया ना, फिर मम्मी क्या बोलते हैं, होता है उसको, फिर क्या करें, हम तो गरीब है ना, इसलिए। और कोई सपोर्ट करने आता है आपको यहाँ पर? नहीं आता है। मैम, आपको एक टॉम बॉय की तरह रहना क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पर तो लंबा बार लगेंगे तो फिर यहाँ पर तो लड़का को लड़की को छेड़ता है ना, लड़की को लड़का छेड़ता है ना, फिर डर लगता है। क्योंकि अच्छा नहीं है ना, अब क्या 21st century में तो कुछ अच्छा नहीं है ना। फिर मम्मी के लो मैं क्या बोलते, लड़की भी हूँ लड़का भी हूँ ना, इसलिए। और यहाँ पे लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम होता है? लड़की को तो सब छेड़ते हैं बस, तो फिर नीचे दिखाते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो नहीं करता, गाँव में तो लड़की पैदा होकर तो मर जाता है ना, लड़का को तो पेश कर रुपए कमाता है ना, इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कहते हैं, अब आप तो लड़की हो एक है ना, तो आप क्या कहते हैं, लड़का बनना चाहते हो या लड़की रहना चाहते हो? लड़का बनना चाहता हूँ। क्यों लड़का बनना चाहते हो? क्योंकि लड़का बनने का कोई डर नहीं रहता, क्या बोलते, छेड़ता नहीं है ना, इसलिए। लेकिन अब तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, फिर जब क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ क्राइम वाइम नहीं होता ना, फिर मैं लड़की बन जाऊंगा, नहीं तो लड़का बैठ के रहूंगा सारी जिंदगी। अभी कितने लोगों को पता है कि आप एक लड़की हो? बहुत सारे को, हमारा क्या बोलते हैं रिलेटिव कजन सबको पता है। और बाकी जो बाहर के लोग देखते हैं उन्हें? उन्हें तो शक नहीं होता मुझको तो, फिर मम्मी बोलता है ये लड़की है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपने वाइफ को और अपनी बेटी को ऐसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं? पहले तो शादी करने है तो सोच समझ के करो, क्योंकि वो आपका पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा ना, फिर बाद में नहीं पछताना पड़ेगा, फिर सोच समझ के करो। और जो बेटी को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं? बेटी भी कम नहीं है लड़के जैसा, क्योंकि किरण बीदी वो क्या बोलते हैं पुलिस ऑफिसर का काम करते हैं ना, पहले तो पुलिस ऑफिसर तो क्या बोलते हैं लड़की का काम, लड़का का काम है ना, फिर वो किरण बेदी अपने देश के लिए क्या बोलता है बहुत क्या बोलते हैं सेवा करना है लड़की की तरह, लड़का के नहीं कर,
ये लड़का कर लड़की कर सकते है तो लड़का कर सकते है, वो किरण बेदी कर सकते है तो वो तो लड़की है ना, तो हम लड़की को प्राउड होना चाहिए ना, ऐसे ही। पैमा, जो यहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए आता है, घूमने आता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले तो लद्दाख बाहर से देखने के लिए खूबसूरत शहर है, अंदर से देखेगा फिर यहाँ पर कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं, कितना गरीबी है, वो सब जांच पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं, वो घूमने टूरिस्ट वगैरह आता है ना यहाँ पर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गरीब को हेल्प करेंगे तो उसका गुड विजिटर यहाँ पर क्या बोलते हैं रहेंगे ना, इसलिए हेल्प करना चाहिए। मैम, आप बड़े होकर के सक्सेसफुल हो गए, पैसा आपने कमाया, तो आप अपनी मम्मी के लिए और अपने शहर के लिए क्या करना चाहोगे? पहले तो मम्मी गोट होता है ना, पहले तो मम्मी को क्या बोलते हैं वो सब क्या बोलते हैं, वो जब वो क्या बोलते हैं वो सब कुछ वो जो चाहे मैं दे लूँगा, फिर वो क्या बोलते हैं अच्छा शहर में उसको क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं फ्लैट खरीद कर उसको बिछा देंगा, फिर यहाँ आगे वहाँ गरीब ऐसे लोग होते हैं ना, फिर उसको डोनेशन करेंगे सब पैसे है तो, या फिर मेरे हाथ के जो पैसा है उसको डोनेशन करूँगा। मैम, आप बाकी सब ऑल ओवर वर्ल्ड लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड को मन में विश्वास है तो सब कुछ कर सकता है, लड़की भी लड़का से कम नहीं होता है, मन में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो करेगा तो वो कॉन्फिडेंट के क्या साथ में करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं क्या बोलते हैं सफलता नहीं मिलेगा। जैसे किरण बेबी की तरह वो फुट क्या बोलते हैं पुलिस में सफलता हुआ है ना, आज उसका क्या बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पीपल उसका क्या बोलते हैं सलाम करते हैं ना, इसकी तरह हमको अपने फिल्म प्राउड होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंट के साथ जो काम करेंगे ना उसका काम कॉन्फिडेंट के साथ करना चाहिए। मैम, आप बड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो बड़े लोग है ना उसको क्या बोलते हैं हम हमारे के तरह स्टूडेंट मेरे तरह स्टूडेंट को क्या बोलते हैं हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का फ्यूचर तो हम है ना, फिर एक्सेप्ट गर्ल को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गर्ल ही तो है क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं, अब गर्ल को फेंक देगा तो क्या बोलते हैं वर्ल्ड को कैसे भरेगा, फिर क्या बोलते हैं कुछ साल के बाद तो लड़की कम हो जाएगा तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, फिर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट लड़की को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़की ही तो क्या बोलते हैं देश का शान होता है ना, इसलिए।